तो छपरी लगोगे, इसीलिए थोड़ा दूर रहोगे तो बेटर होगा। न्यू एंड बेस्ट ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स फॉर द ईयर 2021, आगे आने वाले साल 2021 के अंदर कौन से हेयर स्टाइल्स बेस्ट होने वाले हैं, ज़्यादा ट्रेंडी होने वाले हैं, और हर हेयर स्टाइल जो आपके फेस को सूट करेगा और आप पे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ऐसे हेयर स्टाइल की हम बात करेंगे, ताकि आप और मैं 2021 के अंदर एक अच्छा ट्रेंडी हेयर स्टाइल ले पाएँ, क्योंकि बाल कटाने का टाइम तो मेरा भी आ ही गया है। तो जानने के लिए कि कौन से वो हेयर स्टाइल होने वाले हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये साल तो हमने ज़्यादातर घर पर बिता दिया, लेकिन अगला साल ज़रूर बेटर होगा, और होगा तो ऐसे कौन से हेयर स्टाइल होंगे जो हमें बेटर दिखा पाएंगे, ऐसे कौन से ट्रेंडी हेयर स्टाइल होंगे जो हमारे फेस पे सूट होंगे। तो ऐसे हेयर स्टाइल्स के अंदर सबसे पहला आता है लॉन्ग कॉम्ब ओवर हेयर स्टाइल। बहुत ज़्यादा बढ़िया हेयर स्टाइल होने वाला है आने वाले साल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अभी अपने बाल बढ़ा लिए हैं, और अगर आपने अपने बाल बढ़ा लिए हैं तो ये हेयर स्टाइल आप आराम से पुल ऑफ कर सकते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, साथ में बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक भी है, और आपको दूसरों से अलग बताएगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम बताएगा, इसे लॉन्ग कॉम्ब ओवर रख सकते हैं। सेकेंड पे आता है बज कट और वेरिएशंस ऑफ बज कट। नाउ बज कट हमेशा से एक बहुत ज़्यादा क्लासिक हेयर स्टाइल रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि यार लोगों ने बज कट और ज़्यादा लेना चालू कर दिया है, खासकर हम घर के अंदर थे, बज कट एक बहुत ज़्यादा इजी टू मेंटेन हेयर स्टाइल था, इसलिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बज कट लिया है, और आगे ये ट्रेंड के अंदर भी रहेगा हमेशा। बज कट अगर आपका एक शार्प फेस है, अगर आपका एक चिजल्ड फेस है, तो बज कट आप पे सूट होता है। तो अगर आपका चिजल्ड फेस है, अगर आपका अच्छा फेस है, आप बज कट लेना चाहते हैं, आप एक ईजी टू मेंटेन हेयर स्टाइल लेना चाहते हैं जो ईजी भी हो मेंटेन करने के लिए, थोड़ा ट्रेंडी भी हो और आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, देन बज कट इज़ द ऑप्शन टू गो। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ बिजनेस कट्स। यार बिजनेस कट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा विंटेज लुक देते हैं। बिजनेस कट्स के अंदर आप टेपर्ड साइड्स भी रख सकते हैं, आप क्लासिक स्लिक बैक रख सकते हैं, आप हल्के थोड़े मॉडर्न पोम्पाडोर्स रख सकते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा सूट होगा और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर रहेगा आने वाले साल के पहले, खासकर 4-5 महीनों में। नेक्स्ट है कर्ली हेयर विथ फेड। अगर आपके कर्ली बाल हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कर्ली बालों को जो है एम्ब्रेस करें, उनके साथ थोड़ा एक फेड दें, और खासकर पिछले कुछ सालों में कर्ली बालों की अपील बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। अब अगर आपके कर्ली बाल नहीं और आप कर्ली बाल लेना चाहते हैं, तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब पर्म और ये सब आप करा सकते हैं, जिससे आपके बाल कर्ली हो जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दैट इज़ वन ऑप्शन, नहीं तो अगर आपके कर्ली बाल हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप कर्ली हेयर स्टाइल्स को एम्ब्रेस करो, उनको सीधा करने का मत सोचो यार। नेक्स्ट जो आता है वो पहले भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हेयर स्टाइल था, ये है मेसी स्पाइकी हेयर स्टाइल्स। नाउ मेसी स्पाइकी हेयर स्टाइल्स आज से 10-12 साल पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, 2005-2010 तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहे हैं, बट उस स्पाइक्स और हमारे अभी के स्पाइक्स के अंदर कुछ फ़र्क है। वाले स्पाइक जेल्ड अप लुक होती थी, उसके अंदर शाइनी लगते थे, आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी होते थे और एकदम स्पाइक्स बहुत ज़्यादा तीखे होते थे। अभी ये मैट फिनिश के साथ स्पाइक्स जो हैं वो ज़्यादा अपील के अंदर हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड के अंदर हैं। तो अगर आप स्पाइक्स रखना पसंद करते हैं, अगर आपका फेस के अंदर जो स्ट्रक्चर कम है, आपका फेस थोड़ा राउंडिश है, तो आप स्पाइक्स रखें और स्पाइक्स आप पे काफ़ी ज़्यादा सूट होंगे। बस मैट फिनिश प्रोडक्ट यूज़ करना या फिर नेचुरल फिनिश रहने देना, उनको जेल अप करने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा टेपर रखना, साइड्स को अच्छा रखना, आप ज़रूर बढ़िया लगोगे। नेक्स्ट है कलर्ड हेयर स्टाइल। नाउ अगर आप एक क्लासिक हेयर स्टाइल रखते हैं और साथ आप कलर के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है। ना कौन से कलर के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिंक पर्पल ये सब के अंदर करते हैं, तो आपको उसको पुल ऑफ करने के लिए अच्छे लुक्स और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। अगर आपके पास वो इतने अच्छे लुक्स नहीं हैं तो छपरी लगोगे, इसीलिए थोड़ा दूर रहोगे तो बेटर होगा। आप प्लैटिनम ब्लॉन्ड कर सकते हैं, आप ब्लॉन्ड कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल हेयर कलर्स के अंदर आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। नहीं तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा हाइलाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन से हाइलाइट्स आप पे ज़्यादा सूट होते हैं। अगेन उसमें भी पिंक पर्पल ग्रीन ऐसे कलर्स की तरफ मत जाना, थोड़े प्लेन कलर्स की तरफ रहना, जो एक्सपेरिमेंट करने में इजी रहेंगे और आपकी स्किन टोन के साथ भी जाएं, ऐसे कलर्स को आप चूज़ करना, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी होगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपका हेयर स्टाइल। तो ये थे कुछ हेयर स्टाइल्स जो अगले आने वाले साल 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पीक पे रहने वाले हैं, खासकर फर्स्ट 5-6 मंथ्स के अंदर। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं इनमें से कोई भी हेयर स्टाइल, तो ज़रूर जाके ले लो और मुझे बताओ मेरे को कौन सा हेयर स्टाइल लेना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। बस यही था आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।